ओके सो अब क्या करते हैं, इमेज को फ्लिप करना सीखते हैं, ठीक है। फ्लिप करने में आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, आप 180 डिग्री फ्लिप कर दो। इनफैक्ट मैं दिखाता हूँ, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक बार देखो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो हम क्रिएट कर रहे हैं एक वेरिएबल इमेज फ्लिप बोल के, एंड दिस इज इक्वल टू cv2.flip, और फ्लिप में अगेन आपको पुराना इमेज बताना है और आपको कोड्स देने होते हैं, ठीक है। फ्लिप कोड देना होता है। सो तीन कोड्स हैं, 0, 1 और -1। सो 0 करने से क्या होता है, उल्टा हो जाता है, लाइक नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, ठीक है। देखो एक बार, सो अगर आपने यहाँ पे 0 दे दिया, और अगर आपने क्या किया, अगर आपने cv2.imshow किया, और यहाँ पे अगर आपने लिखा मेरा विंडो इज विंडो, और अगर आपने यहाँ पे लिखा img flip, तो देखना क्या होगा, आपका ओरिजिनल इमेज जो है वो फ्लिप कर जाएगा लाइक दिस। ये देखो फ्लिप कर गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। सो वर्टिकल एक्सिस में फ्लिप किया, ओके। अगर आप यहाँ पे 1 दे दोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्लिप करेगा, ये देखो। अगर आप यहाँ पे 1 दे दोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्लिप करेगा लाइक दिस। ये देखो, आई डोंट नो आप शायद डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे, ये वाले जो फ्रूट्स थे वो पहले राइट साइड में थे, अब वो लेफ्ट साइड में आ गए, ठीक है। जब आप फ्यूचर में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ोगे गाइस, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, एक चीज़ होती है डेटा ऑग्यूमेंटेशन बोल के, वहाँ पे आप क्या करते हो, डेटा सेट क्रिएट करते हो। तो गिवन डेटा सेट में आप क्या करोगे, अपने इमेजेस के ऊपर फ्लिप लगाओगे और नए इमेजेस क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो ये बहुत यूज किया जाता है ओवरफिटिंग रिड्यूस करने के लिए। जो भी लोग मशीन लर्निंग वाले हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, डेटा में वेरिएशन क्रिएट करने के काम आता है। सो अगर आप कैट्स एंड डॉग्स को ट्रेन कर रहे हो, मतलब कैट्स एंड डॉग्स को डिटेक्ट कर पाए वाला मॉडल क्रिएट कर रहे हो, तो अगर सारे कुत्ते मतलब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, तो आपके मॉडल को लगने लग जाएगा कि लेफ्ट साइड में जो देखता है वो कुत्ता है। सो आप क्या करोगे, इस ओवरफिटिंग को हटाने के लिए आप ऑग्यूमेंटेशन कर दोगे। सो आप कुछ डॉग के पिक्चर्स में ऐसा कर दोगे कि जो डॉग्स हैं वो लेफ्ट के बदले राइट में देख रहे हैं, तो अब आपका एल्गोरिदम ओवरफिट नहीं करेगा, वो उसको एक पैटर्न नहीं समझेगा। तो ठीक है, आई गेस आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। इस चीज को बोला जाता है डेटा ऑग्यूमेंटेशन, और ये बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया, और एक होता है -1। सो -1 इज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज, हॉरिजॉन्टल में भी फ्लिप करेगा, वर्टिकल में भी फ्लिप करेगा, और आपका रिजल्टेंट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये देखो, सो उसने वर्टिकली भी फ्लिप किया और हॉरिजॉन्टली भी फ्लिप किया, सो द रिजल्टेंट इज समथिंग लाइक दिस।